दोस्तों नमस्कार। देखिए, जीएसटी पर निबंध लिखने से पहले जीएसटी को पूर्ण रूप से समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप पूर्ण रूप से जीएसटी को समझ पाएंगे, देश की कर प्रणाली को लगभग आप समझ जाएंगे। तो इसीलिए हमने सबसे पहले यह वीडियो बनाया है ताकि आप जीएसटी के बारे में सब कुछ एक ही वीडियो में जान पाएं। फैक्ट्स के लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। इन सब चीजों को समझने के बाद निबंध आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो दोस्तों, कर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? सीधी भाषा में प्रत्यक्ष कर वो होता है जो प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है, जैसे जिस पर कर लगाया जाता है उसी से वसूला भी जाता है। जैसे आयकर हो गया, निगम कर होगा, निगम कर भी एक प्रकार का आयकर ही है ना, जो कंपनी की आय पे लगता है। तो वहां पर क्या होता है, जिसके ऊपर कर लगता है उसी को कर देना होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर, इसमें करों का स्थानांतरण हो जाता है। जिसके ऊपर कर लगता है यह आवश्यक नहीं कि वही कर दे। जैसे उत्पादों पर, उत्पाद एक स्थान से दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान से इस तरह जाते जाते वह उपभोक्ता तक पहुंचता है और अंतिम रूप से उसको उपभोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस तरह कर तो उत्पादक पे, फिर दुकानदार पे, सब पे आरोपित होता है, लेकिन अंतिम रूप से दिया जाता है उपभोक्ता द्वारा। ठीक है, इसको आगे हम समझेंगे। तो वह अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर में वस्तुएं और सेवाएं सम्मिलित हैं। बाद में सेवा कर आया तो उसमें ऐड हो गया सेवा कर भी अप्रत्यक्ष कर में। तो अब एकीकृत कर प्रणाली के रूप में जीएसटी व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से देश में लागू की गई है। तो जीएसटी को समझने के पहले हम यह जान लेते हैं कि हमको किन किन बातों पर विचार करना है। जो पहली बात है वो क्या है, जीएसटी से पहले क्या व्यवस्था थी? जीएसटी अभी आया है तो इसके पहले क्या व्यवस्था थी और उस व्यवस्था में क्या कमियां थी कि जीएसटी की जरूरत पड़ी, और जीएसटी की जरूरत पड़ी क्यों, और जब इतना जरूरी था जीएसटी तो आजादी के इतने दिनों बाद क्यों लागू हो पाया ये, जबकि फ्रांस जैसे देश में तो 1954 से ही लागू है। जीएसटी की विशेषताएं तथा इसके लाभ क्या हैं, तो इन सभी बातों पर मूलतः हम चर्चा आज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जीएसटी दोस्तों, इसको अभी तक का देश का सबसे बड़ा कर सुधार माना जा रहा है, अर्थात ऐतिहासिक कर सुधार है जीएसटी। निश्चित रूप से निर्विवाद यह सत्य है। आज तक जो बड़े कर सुधार के रूप में जाने जाते हैं, मुख्यतः तीन उसमें सम्मिलित हैं जीएसटी को लेते हुए। पहला था 80वां संविधान संशोधन। 80वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, कई तरह के करों को जो केंद्रीय कर हैं उनमें राज्यों को हिस्सा इसके माध्यम से प्रदान कर दिया गया। तो राज्यों की एक बड़ी जीत के रूप में 80वां संविधान संशोधन जाना जाता है। फिर 88वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसके तहत सेवा कर को अप्रत्यक्ष कर के रूप में शामिल किया गया, एक नया कर जोड़ दिया गया 88वें संविधान संशोधन के द्वारा। और फिर अब 101वां संविधान संशोधन जीएसटी, जो अभी तक का सबसे बड़ा कर सुधार है। सभी कर सुधारों को अगर मिला दें तो भी इसके बराबर का, इसकी बराबरी के कर सुधार वो नहीं बन पाएंगे, इतना बड़ा कर सुधार यह देश में है। तो इतना बड़ा जब कर सुधार किया गया है, इतनी देर से किया गया, क्यों किया गया, क्या कारण है करने के, क्या खामियां थी और क्या जरूरत थी, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में करारोपण के बारे में सभी प्रावधान किए गए हैं। कौन कर लगाएगा, क्या क्या कर राज्य वसूलेगा, क्या केंद्र वसूलेगा, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। भाग 12 में मुख्यतः
कर के बारे में विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। देखिए, कर की जो व्यवस्था, जो कर लगाया जाता था, उसके बारे में पहले आप समझ लीजिए। अप्रत्यक्ष कर कैसे वसूला जाता था। जैसे कोई कंपनी है, उसका उत्पाद लागत, उत्पाद को कोई बनाता है वो, ठीक है ना, उसकी लागत वो 100 रुपये उसकी लगती है, और वो उसको 150 रुपये में बेचता है। जब किसी कंपनी से उत्पाद निकलता है, तो केंद्र उस पे केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाता है। माना 10 रुपये उसने केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया, तो इस तरह से 160 रुपये में दुकानदार उस वस्तु को प्राप्त करता है, और उसको भी वह 180 रुपये में बेचना चाहता है, जिस पे राज्य सरकारें या अन्य सरकारें बिक्री मूल्य, बिक्री कर वसूलती हैं। माना बिक्री कर 10 रुपये है, तो इस तरह उपभोक्ता को वह वस्तु 190 रुपये में मिलती है। तो इस तरह 100 रुपये की वस्तु उपभोक्ता को कितने में मिली दोस्तों? 190 रुपये में। तो इस तरह का एक नमूना मैं बता रहा हूं कि इस तरह की कर की व्यवस्था आम रूप से यही चलती है। तो इन्हीं पर हमको विचार करना है आज, बदले हुए रूप में, और पहले का रूप क्या था, इन्हीं सब बातों पे आप हम चर्चा करेंगे आज। देखिए, केंद्र के जो कर हैं, मुख्यतः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में, प्रत्यक्ष कर में आयकर, निगम कर, संपत्ति कर आदि आते हैं, जिन पे हमको आज चर्चा नहीं करनी है, ठीक है ना। ये मैंने इसको यहां पर इसलिए लिखा है कि काफी लोगों का यह भी कहना हो सकता है कि वस्तु एवं सेवा कर जिस तरह से अप्रत्यक्ष कर में लागू हुआ, इसी तरह प्रत्यक्ष कर में क्यों नहीं लागू हो सकता है। तो आगे हम बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक, अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा है कि प्रत्यक्ष कर में आवश्यकता ही नहीं है उस चीज की, तो आप समझ जाएंगे, बहुत ही सरल है। अप्रत्यक्ष करों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जो कि प्रमुख रूप से सबसे प्रमुख साधन है अप्रत्यक्ष करों से आमदनी का केंद्र सरकार के, उसके बाद सेवा कर और कस्टम ड्यूटी, जो बाहर से वस्तुएं विदेशों से आती हैं उस पर जो लगाया जाता है, ये सब मुख्यतः अप्रत्यक्ष कर में सम्मिलित हैं। और राज्य के करों में कौन कौन से आते हैं? मुख्यतः अप्रत्यक्ष कर ही आते हैं। प्रत्यक्ष कर कोई विशेष सरकार, राज्य सरकार लगाती नहीं है, तो अप्रत्यक्ष कर ही की वसूली राज्य सरकार करती है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है बिक्री कर या व्यापार कर, या जिसको वैट कहते हैं, बाद में लागू हुआ, वो आते हैं। ठीक है, यद्यपि दोस्तों उत्पाद शुल्क जो एक्साइज ड्यूटी है केंद्र सरकार लगाती थी अभी, लेकिन जीएसटी के पहले तक की बात कर रहा हूं मैं, किंतु दो को छोड़ करके, किसको? इसको पेय अल्कोहल पर, जो पीने योग्य शराब है, अल्कोहल है, उस पर केंद्र सरकार नहीं लगाती थी, बल्कि यह राज्य सरकार लगाती थी, और राज्यों के राजस्व का अहम हिस्सा भी यह है। राज्य के पास कर तो बहुत ज्यादा है, कर ज्यादा जो है संख्या करों की राज्यों को प्राप्त है, लेकिन उनसे वसूली नगण्य, कई में तो कुछ नहीं आता है लगभग। तो राज्य बहुत ही गरीब है इस मामले में, उनके मुख्यतः जो मुख्य राजस्व का स्रोत है वो शराब ही होता है, इसीलिए वो शराब को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, कुछ राज्य जैसे बिहार हो गए, गुजरात हो गए, इन्होंने जो निर्णय लिए शराब को बंद करने के, बहुत ही साहसिक निर्णय, इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में कहे जा सकते हैं कि अपने राजस्व का जो सबसे प्रमुख हिस्सा है उसी पर वो बैन कर रहे हैं, रोक लगा रहे हैं। हालांकि उस पर हमको चर्चा नहीं करना है, हमारा मुख्य विषय जीएसटी, उससे भटकना नहीं हमको, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। संपूर्ण अर्थव्यवस्था समझना तो बहुत ही लेंदी, बहुत ही लंबा काम है, हम जीएसटी के मुद्दे पर ही आज चर्चा कर रहे हैं। तो पेय अल्कोहल पर और अफीम के उत्पाद जो चिकित्सा में यूज होते हैं, अफीम नशे करने वाला अफीम नहीं, जैसे अफीम के उत्पाद जो चिकित्सा हेतु, दवाइयों हेतु उपयोग जिनका होता है, इन दोनों पर कर राज्य, इन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क जो है राज्यों का गांव लगाना था इस पे, ठीक है ना, और उससे अच्छी खासी आमदनी भी राज्यों को होती थी। अभी भी जीएसटी में छूट दे दी गई है, अल्कोहल पे टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी लागू नहीं होगा,
ठीक है ना। तो राज्यों को अभी छूट मिली हुई है शराब बिक्री करने में। 1986 से पहले, अब हम मुख्य बात पर आते हैं कि 1986 से पहले भारत में कौन सी कर की वसूली की व्यवस्था थी? तो वह एकल बिंदु कर वसूली, जिसको सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था कहते हैं, यह व्यवस्था 1986 से पहले भारत में लागू थी। यह व्यवस्था क्या थी? मुख्यतः यह जान लीजिए कि सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन का अर्थ होता है कि जैसे कर तो कई स्टेजेस पे लगता है, लेकिन जैसे आप कर वसूल अधिकारी हैं, कर वसूलने वाले अधिकारी हैं, तो आप यदि किसी से कर ले रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे, ना आप उससे पूछेंगे कि इससे पहले या इससे बाद में कर दिया गया था या कर दिया जाएगा, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होता है। इसी को एकल बिंदु कर वसूली या सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था कहते हैं। तो इस व्यवस्था में क्या था? उदाहरण के रूप में जान लीजिए, जैसे एक कोई व्यक्ति या कंपनी है जो 100 रुपए का कच्चा माल खरीदती है किसी उत्पाद के लिए, ठीक, उन उत्पादों पर जो खरीदती है उसमें खरीद मूल्य या बिक्री कर जो है वो 10% टैक्स लगता है उसमें, और इस तरह से उसकी कुल लागत जो आ जाती है वो 110 रुपये आ जाती है, ठीक, जिसमें 10% वो टैक्स के रूप में देता है, पे करता है। तब वह उत्पाद उससे तैयार करता है, उत्पाद और बिक्री योग्य जो उसमें बढ़ा हुआ मूल्य लगाता है वो 150 में उसको बेचता है, 110 रुपये में 40 और जोड़ देता है, 150 रुपये में वो उसका दाम रखता है। तो जैसा कि हमने कहा, उत्पाद जब निकलता है तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क उसमें लगता है कंपनी से निकलते ही, तो उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क मान लीजिए 10% लगाया गया उस पे। तो इस तरह से 150 रुपये पर 10% शुल्क लगने पर कितना हो जाएगा मूल्य? 150 धन 15 अर्थात 165 रुपये मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे इसमें कि ये 10% टैक्स है, ये इसमें ऐड हो गया है 110 रुपये में, ठीक है, फिर 150 रुपये में वो बेचता है, ठीक। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो 10% लग रहा है, इसमें इस 10% को निकाला नहीं जा रहा है, बल्कि इसी में वो 10% लग रहा है, अर्थात टैक्स जो पे कर दिया गया है उस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, टैक्स पे भी टैक्स लग रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि इस कर को अलग रखना चाहिए। जैसे 10 रुपए हैं तो 10 रुपए अलग रखना चाहिए, इसने 100 रुपए लिया था, 100 रुपए लागत लगी थी तो 40 रुपए बढ़ा दिया, तो 140 पे टैक्स लगना चाहिए, लेकिन इसको पूरे को ऐड करके पूरे 150 रुपए वो टैक्स लगाया जा रहा था। तो इस तरह से 165 रुपए उसके मूल्य हो जा रहे थे। फिर व्यापारी 165 रुपए में जो उसको खरीदता है उसको 200 रुपये अर्थात 35 रुपये उसमें ऐड कर देता है वो, ठीक है, जिसको बढ़ा हुआ मूल्य कहते हैं, वैल्यू एडेड। तो 200 रुपये बिक्री मूल्य उसको रखता है, जिस पर राज्य सरकार बिक्री कर लगाती है, मान लीजिए 10% बिक्री कर उसमें लगाती है। तो इस तरह जो खरीदने वाला होगा वो उपभोक्ता, उसको वो वस्तु कितने मिलेगी? 220 रुपये में। 200 का 20, 10% कितना हुआ? 20 हुआ, तो 220 रुपये में उपभोक्ता को मिलेगी। तो इस तरह आपने देखा कि करों के ऊपर कर लग रहा है, इस 10% को आपने ऐड किया, फिर जितने में उसने बेचा इस 10% को निकाले बिना उस पर टैक्स लग रहा है, अर्थात टैक्स पे टैक्स लग रहा है। फिर यहां पर भी इस 10% केंद्रीय उत्पाद शुल्क को जब इसमें जोड़ा जाता है तो बिक्री कर इसको निकाल कर नहीं, बल्कि इसी में ऐड जो मूल्य है इसी में बिक्री कर भी लगा दिया जाता है, अर्थात टैक्स में टैक्स फिर से लगाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि वस्तुओं पर तो कर देना ही पड़ रहा है, इसके साथ ही जो कर है जो पहले अदा किया जा चुका है उस पे भी कर देना पड़ रहा है, जिससे निश्चित रूप से वस्तु का मूल्य बढ़ जा रहा है। इसको हम अभी आगे देखेंगे,
जब सुधार के रूप में देखेंगे तो देखेंगे वस्तुओं में इतना ही टैक्स, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इतना ही बिक्री मूल्य लगने पर भी वस्तुओं का दाम कैसे कम हो जाता है। तो इस तरह से उपभोक्ता को रुपये 220 रुपये में वह वस्तु प्राप्त होती है जो 100 रुपये की लागत वाली वस्तु थी। तो इस तरह वस्तु के साथ साथ चुकाए गए कर पे भी कर लग रहा है। इसी को दोस्तों कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है, जिसको करों पर कर के रूप में जाना जाता है, टैक्स ऑन टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट। कुल मिलाकर आप यही जान लीजिए इसी पॉइंट पे कि इसी यही सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण कर सुधारों की आवश्यकता पड़ी और वैट और उसके बाद जीएसटी के रूप में यह प्रणाली हमारे सामने आई, यह सुधार हमारे सामने आया। हालांकि जीएसटी के और भी कारण हैं, लेकिन मुख्य कारणों में एक कारण कैस्केडिंग इफेक्ट, जो सबसे प्रमुख कारण यही है, कैस्केडिंग इफेक्ट। कर के ऊपर कर दिया जाता था, कई स्तरों पर कर लगाए जाते थे, उन करों पे भी कर लगाए जाते थे, जिसके कारण वस्तु का मूल्य बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता था। तो इस कैस्केडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, खत्म करने के लिए ही नई प्रणालियां सामने आई। और दोस्तों यहीं पर आपके उस प्रश्न का भी जवाब मिल जाता है कि प्रत्यक्ष करों पर जीएसटी व्यवस्था क्यों नहीं, इस तरह की एकीकृत कर प्रणाली की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी। तो यहीं से उत्तर मिल जाता है कि वहां प्रत्यक्ष करों में कैस्केडिंग इफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही लेवल पर कर लगाया जाता है, वहां पर जिसके ऊपर कर लगाया जाता है उसी से वसूल लिया जाता है, उसमें इस तरह की कोई भी बुराई कमी नहीं थी, इसलिए उसमें आवश्यकता नहीं पड़ी। सीधी सी और सरल सी बात है। तो इसीलिए सुधार की आवश्यकता पड़ी। इसमें सुधार हेतु ही वैट की व्यवस्था अधिकांश देशों में आई। अधिकांश देशों में इसी चीज को खत्म करने के लिए, कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स या वैट की व्यवस्था आई, जिसमें सिर्फ मूल्य वर्धित, हर लेवल पे जो मूल्य बढ़ रहा है उसी पर टैक्स लगाया जाएगा। जैसे हमने हमको 100 रुपये में वस्तु मिली, उसमें टैक्स दिया गया है, उस टैक्स से हमको मतलब नहीं है, हमने उसको 40 रुपये में बेचा, तो वो जो मूल्य वर्धित हो रहा है 40 रुपये, उसी में हमको टैक्स देना है, अर्थात 10% टैक्स है, तो उस 40 पर टैक्स लगेगा, 40 × 10% अर्थात 4 रुपये हमको टैक्स देना होगा। मोटी मोटी सी बात है, हालांकि उसका एक हम आपको एक फार्मूला बता देते हैं निकालने का, जो सैद्धांतिक रूप से सत्य है। तो वैट की व्यवस्था में क्या होता है आप जान लीजिए, अभी जो हमने व्यवस्था बताई आपको उससे और इसमें अंतर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर भी वही उदाहरण ले रहे हैं, सेम उदाहरण। एक कंपनी है, ₹100 का कच्चा माल खरीद रही है, 10 रुपए का 10% टैक्स लग रहा है। वहां हमने टैक्स को जोड़ दिया था, यहां पे हमने टैक्स को अलग रखा है, ठीक है ना, क्योंकि इस पर हमको अब टैक्स नहीं लगाना है, हमको टैक्स केवल इधर वाले पे लगाना है। जो टैक्स पे कर दिया गया है उस पर टैक्स दोबारा नहीं लगेगा, यही वैट और उस प्रणाली में अंतर है, ठीक है ना। सिंगल पॉइंट टैक्स प्रणाली थी उसमें और इसमें यही अंतर है। तो इस तरह जब उत्पाद बिक्री योग्य हो जाता है तो इसमें 40 रुपये वह जोड़ देता है, ठीक। इसमें टैक्स को अभी आप अलग रखिए जो टैक्स पे कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यह बढ़ा हुआ मूल्य 40 रुपये क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य है, और इस टैक्स को जो वो पहले चुका चुका है इसके पहले वाले स्तर में, उसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। आपने बहुत सुना होगा जीएसटी पे चर्चा होते हुए, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। तो यही है कि जो पिछले स्तर पर कर चुका दिया गया, कर अदा कर दिया गया है, उसी को दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी कहते हैं, ठीक। तो इस तरह केंद्रीय उत्पाद शुल्क इस टैक्स पे 10% पे न लगकर सिर्फ 140 रुपए पे लगेगा, ठीक है ना। मान लिया 10% केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, तो 140 का 10% कितना हुआ दोस्तों, 14 रुपए। तो इस तरह 14 रुपए ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होगी, OTL, ठीक है ना। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी, 14 रुपए होगी, ठीक। और 10 रुपए वो टैक्स के रूप में पहले दे चुका है, तो इस तरह दे कर जो होगा, वैट जो होगा, वो OTL माइनस ITC होता है दोस्तों, अर्थात
आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी माइनस जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसी उसको घटा देंगे तो ये 4 रुपये आ जाएगा, है ना। तो 14 रुपये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आई जो 140 रुपये पे मूल्यवर्धन पे लग रही है, ठीक है ना। तो उसी में से हम 10 घटा देंगे अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट घटा देंगे तो ये 4 रुपये देकर या वैट आ जाएगा। इस तरह यहां पर सिर्फ 4 रुपये देना होगा कर के रूप में, ठीक। इतना समझ में आ गया। इसको डायरेक्टली आप इस ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 40 40 रुपये जो आपने मूल्य वर्धित किया उसी पर 10% आप लगा कर लगा दीजिए। 10% कर जो लगेगा 40 रुपये पर लगेगा तो 40 का 10% 4 रुपये। इस तरह से डायरेक्टली भी आ सकता है और इस फॉर्मूले के तहत भी आप निकाल सकते हैं सैद्धांतिक रूप से, ठीक। फिर दुकानदार को मिला कितने रुपये, अब 140 यहाँ पे था प्लस 10 रुपये और 4 रुपये, 14 रुपये कुल उसका क्या हो गया, टैक्स हो गया। तो टैक्स को हम अलग रखेंगे उसी तरह जैसे पहले रखते थे, ठीक। मूल्यवर्धन जो हो रहा है उसको हम अलग रखेंगे, टैक्स को अलग रखेंगे। तो टैक्स कुल चुकाया गया 14 रुपये, यहाँ पे ITC क्या हुआ 14 रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब वह उसने जैसे वहां पे 35 रुपये बढ़ाया था तो यहाँ भी 35 रुपये बढ़ा देते हैं। तो 140 और 35 175 रुपये में, 175 रुपये मूल्य बढ़ करके हो गया उस वस्तु का और 14 रुपये हम टैक्स के रूप में अलग रखते हैं जो टैक्स हमने अदा कर दिया है ITC के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक। तो अब 175 रुपये में जो बिक्री कर होगा वह या वैट जो होगा वो 175 रुपये में लगेगा, 14 रुपये में नहीं लगेगा। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, या तो 35 रुपये जो यहां पे बढ़ा हुआ है इस स्तर पे उस पर डायरेक्ट 10% लगा के 3.5 रुपये आप कर के रूप में दीजिए, या फिर इसका 175 का 10% निकालिए, 17.5 आ जाएगा जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी OTL हो जाएगा, ठीक है ना। अब OTL में OTC घटा दीजिए अर्थात 17.5 में 14 को घटा दीजिए तो आपका 3.5 रुपये इस तरह भी आ जाएगा। इस तरह से कुल मूल्य जो होगा दोस्तों 175 और धन 17.5, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ 14 रुपये पहले ही अदा कर चुका था, अब उसको मात्र 3.5 रुपये अदा करना है। तो कुल मिला के 175 धन 14 धन 3.5 अर्थात 192.5 रुपये कुल उस उपभोक्ता को जो खरीद रहा है उसको इतना ही अदा करना पड़ा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों जो वस्तु 220 रुपये में पिछली व्यवस्था में पड़ रही थी, 220 रुपये में पड़ रही थी, यही उतना ही टैक्स लगने पर अब वह वैट के थ्रू 192.5 रुपये में मिलेगी, जो उपभोक्ता है उसे मात्र 192.5 रुपये अदा करना होगा उसको। तो इस तरह से आप देखते हैं कि वैट के थ्रू वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है। इसीलिए केंद्र सरकार ने इस विश्व के अनुभवों को देखते हुए और कैस्केडिंग इफेक्ट की कमी को दूर करने के लिए 1986 में केंद्रीय स्तर पर मोड वैट की व्यवस्था लागू की जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क पे लागू होता था, सिर्फ केंद्रीय उत्पाद शुल्क पे लागू होता था। जैसे कोई मशीन है उसको बनाने के लिए कई कंपनियों के पार्ट्स मंगाने हैं, ठीक। तो उन सभी पार्ट्सों पे मान लीजिए 5 स्थानों से पार्ट मंगाया गया तो सब पे 10% उत्पाद शुल्क लगता था, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक। 5 स्थानों से मंगाए गए तो 5 स्थानों पे जो भी सामान आया उस पे 10 10% सब पे लगा, और फिर जब ये मशीन बिक्री हुई तो इस पे 10% केंद्रीय उत्पाद शुल्क लग गया। तो यहाँ पे जो कैस्केडिंग इफेक्ट था इसको हटाने के लिए ही मोड वैट 1986 में इंट्रोड्यूस हुआ केंद्र सरकार द्वारा, ठीक। बाद में इसमें और सुधार करके सेन वैट आया, इसमें सेवा कर तथा उत्पाद शुल्क दोनों लागू हुए। तब तक सेवा कर एक नए कर के रूप में आया और बाद में इसको इन दोनों को सेवा कर को और उत्पाद शुल्क दोनों में जो है सेनवैट लागू कर दिया गया, ठीक है ना। देखिए दोस्तों फ्रांस जैसे देशों में कोई भी कर प्रणाली लागू करना सरल था लेकिन भारत जैसे संघीय लक्षण वाले देश में यह कठिन।
यही कारण है जो प्रश्न था हमारा कि भारत में इतनी देर से क्यों लागू हुआ। जहां संघीय व्यवस्था है, जहां पर एकात्मक व्यवस्था है, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, वहां पे सारे अधिकार केंद्रों के पास होते हैं, ठीक। राज्यों को स्वायत्तता नहीं होती है, राज्य की इकाई अस्पष्ट नहीं होती, उनको शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है वहां पे, तो वहां पे कोई भी रूल, कोई भी नियम कानून लाने में बहुत आसानी होती है, झट से निर्णय ले लिया जाते हैं जो भी राष्ट्रहित के लिए होते हैं। लेकिन भारत की जो कर की प्रणाली, जो भारत का संघीय ढांचा है, वो इस तरह का था, और ऐसी कर प्रणाली थी भारत की कि राज्यों को बहुत ही पर्याप्त स्वायत्तता मिली हुई थी करों के मामले में, ठीक। तो इसीलिए चूंकि संसद से कोई भी कानून पारित कराना होता है, संविधान संशोधन बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन हासिल करना आसान बात नहीं थी, इसलिए राज्यों को संतुष्ट किए बिना, उनकी जो आपत्तियां थीं उनको समाप्त किए बिना जीएसटी लागू करना कठिन ही नहीं, असंभव था। तो वैट से जो सीख ली गई भारत में, वो क्या ली गई कि वैट से एक तो टैक्स कम हो जाता है, वैट से टैक्स वसूली बढ़ जाती है, वैट से करदाताओं में वृद्धि हो जाती है, कर देने वालों की संख्या में वृद्धि, जैसा कि जीएसटी में भी देखा गया। जीएसटी भी एक प्रकार का वैट ही है दोस्तों, ठीक है ना, जीएसटी भी एक प्रकार का वैट वैट ही है, इसमें भी कैश क्रेडिंग को हटाने के लिए ही जीएसटी भी लागू किया गया है, अंतर हम समझेंगे अभी, बस वैट का एक अगली प्रक्रिया के रूप में आप जीएसटी को समझ सकते हैं। जीएसटी के बारे में राज्यों का साथ पाने में वैट के अनुभवों की सकारात्मक भूमिका रही, जो वैट लागू किया गया भारत में उसके जो अनुभव रहे उन्होंने जीएसटी लागू करने में और राज्यों को इस हेतु समझाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब वैट लागू हो रहा था राज्यों को बहुत ही आशंकाएं थी, ठीक, जिसका समाधान के रूप में केंद्र सरकार ने 2 साल की गारंटी दी, 2 साल जो भी कर भुगतान, जो कर का नुकसान होगा उसका भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। लेकिन बाद में यह हुआ कि जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना फायदा हुआ क्योंकि टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ गई। तो वैट के मामले में राज्यों को 2 साल तक कर नुकसान का भुगतान का आश्वासन केंद्र द्वारा दिया गया, लेकिन बहुत कम ही राज्यों को इसकी जरूरत पड़ी। दूसरी बात है कि जीएसटी में भी कर नुकसान के भुगतान की व्यवस्था के साथ ही, एक तो 5 साल तक कर भुगतान की व्यवस्था की गई जीएसटी में, इसके साथ ही राज्यों को 2/3 प्रतिनिधित्व भी दिया गया। 2/3 प्रतिनिधित्व मतलब 3/4 बहुमत से कोई फैसला होगा उसमें 3/4 मत राज्यों का, 1/3 मात्र मत, 2/3 मत राज्यों का और 1/3 मात्र मत जो है वो केंद्र का होगा। तो राज्यों को ज्यादा महत्व दिया गया जीएसटी काउंसिल में। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि जब वैट था तो जीएसटी क्यों? तो उसका सीधे से उत्तर है कि सेंट्रल था, जो सेन वैट था, सेंट्रल वैट था, और जो वैट है इसमें भी कैस्केडिंग इफेक्ट था। क्यों? क्योंकि जो केंद्र उत्पाद शुल्क लगाता है उसके बाद वह राज्य में जब बिकने आता है, वस्तु बिक्री कर था, बिक रहा था, तो राज्यों और केंद्रों में कोई भी ऐसा समझौता नहीं था जिससे करों का बंटवारा उन दोनों में हो सके, इसलिए यहां कैस्केडिंग इफेक्ट आता था, करों पे कर लग ही जाता था, ठीक है ना। तो क्योंकि राज्यों और केंद्रों के मध्य कोई कर विभाजन की स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। दूसरी क्या दिक्कत थी वैट के साथ? वैट की दरें राज्यों में अलग अलग, जिससे व्यापारी से लेकर आम जनों को परेशानी थी। तो वैट की जो व्यवस्था थी वो हर राज्य अलग अलग अपनी कर अपने हिसाब से अपने फायदे के अनुसार टैक्स लगाता था, जिससे क्या होता था कि दिल्ली में किसी वस्तु की कीमत यदि 1,000 है तो वही वस्तु मुंबई में 2,000 की या 1,500 की हो जाती। मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि इतना अंतर आ जाता था, तो लोग दूसरे राज्यों में जाकर के वो सामान खरीदने लगते थे, या फिर खरीदने के बाद कहीं से अगर उन्होंने वस्तु खरीदी, बाद में उनको पता चला कि अरे ये वस्तु वहां से खरीदते तो ज्यादा हमको फायदा हो जाता। इस मामले में कई व्यापारियों को दिक्कत होती थी, कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठाते थे। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इस प्रणाली की खामियां थी, खासकर जो निवेशक थे वो बहुत ही असमंजस की स्थिति में होते थे। जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट भारत सरकार का है,
इसमें इसमें भी सबसे बड़ी बाधा वैट की ही थी, अर्थात जीएसटी न लागू होने के कारण जो कर की अलग अलग जो वैट दरें हैं हर राज्यों में, तो ये एक बाधा के रूप में थी जिसको समाप्त करना बहुत ही आवश्यक था, तभी निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता था। तो वैट की दरें राज्यों में अलग अलग, जिससे व्यापारी से लेकर आम लोगों को भी परेशानी होती थी। इसके अलावा चुंगी कर जो है, जैसे एक राज्य से कोई वस्तु जा रही है ट्रक के माध्यम से दूसरे राज्य में जाते ही उस पर कर लगा, चुंगी कर लगता था। फिर उस राज्य के अंदर कहीं राज जिले में घुसी तो वहाँ नगर पालिका उस पर कर लगाती, तो चुंगी कर लगाती थी। तो इस ढंग से केंद्र के अंदर अर्थात देश के अंदर कई देश वाला सिस्टम बन जाता था। तो इस व्यवस्था को भी समाप्त करना बहुत आवश्यक था। केंद्र एवं राज्यों के कर अलग अलग थे, केंद्र और राज्यों के कर अलग अलग थे, जिससे बहुत ही परेशानी होती थी कर उगाही में। ठीक। और इस तरह से एक पारदर्शी और सरल प्रणाली की कमी थी, एकीकृत प्रणाली की कमी थी, जिसको जीएसटी के माध्यम से दूर करना बहुत ही आवश्यक था। क्योंकि राज्यों को केंद्र पर विश्वास कम रहता है, राज्य हमेशा अपने आप को शोषित महसूस करते हैं और उनका यह विश्वास रहता है कि केंद्र उनका शोषण करता है, तो अतः जीएसटी व्यवस्था ला, और उसको एक और चिंता रहती है कि कहीं हमारी स्वायत्तता, कहीं हमारी शक्ति छीन न ली जाए, ऐसी भी राज्यों की मानसिकता होती है। अतः जीएसटी व्यवस्था लागू करने में बहुत सारे संशोधनों की आवश्यकता थी। सरकार ने राज्यों को संतुष्ट करने के लिए उनकी कई मांगें मान ली, यथा जैसे राज्यों के कर के महत्वपूर्ण स्रोत जो पेय शराब है उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रख दिया गया। आरंभ में पेट्रोलियम को भी बाहर रखा गया, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस को भी इससे बाहर रखा गया है। ठीक है ना। राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता को खोने का डर था, इसके लिए जीएसटी परिषद में 2/3 प्रतिनिधित्व राज्यों को दिया गया है, तो इसलिए उनको पर्याप्त शक्ति और पर्याप्त सम्मान भी प्राप्त हुआ, तब जाकर कहीं राज्य मानने को तैयार हुए, हाँ अब हम जीएसटी लागू करवाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह 101वें संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की व्यवस्था हुई, 101वां संविधान संशोधन लाया गया इस प्रकार से। ठीक है। जो बिल था जो लाया गया था, जो प्रस्ताव लाया गया था, वो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक। जब लागू हुआ तो 101वें संविधान संशोधन के रूप में यह लागू हुआ। ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमको बहुत उम्मीद है कि आपको जीएसटी जो व्यवस्था है उसका जो मूल मंत्र है, जो मूल सिद्धांत है, वो आज आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, अगले वीडियो में आपको हम पूरे फैक्ट बता देंगे। ठीक। एग्जाम के लिए जो बहुत ही अनिवार्य है। तो निश्चित रूप से अब आप जीएसटी समझ गए हैं, तो निबंध, इस पर अब निबंध की वीडियो आएगी, वो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। पहले आप इसको देख लीजिए अच्छे से। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।